चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एडमिन ने लॉगिन कर रखा है यहाँ पर। मैं चाह रहा हूं कि जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करूं, अपडेट पर क्लिक करते ही आपका एक मॉडल ओपन हो, यहाँ पर एक मॉडल ओपन हो जाए मॉडल, और इस मॉडल के अंदर इस जिस पर भी क्लिक किया, सपोज इसमें मैंने अपडेट पर क्लिक किया सचिन वाले पर, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, है ना। और उसको मैं जो भी यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा अपडेट का, और जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करने पर मैं क्या करूं, ये आपका ओपन हो जाए, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। और जैसे अपडेट पर क्लिक करूं, अपडेट पर क्लिक करने पर तो ये जो भी रिकॉर्ड आपने चेंज किया इस मॉडल के अंदर, आपका ये अपडेट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बटन की क्लिक पर मॉडल डिजाइन करते हैं, है ना। देखो हम है ना इसकी क्लिक पे नहीं करते, हम करेंगे जब ये पेज लोड होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ये पेज मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी मैं एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर यूआरएल में आपको कोई ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, यहां पर कोई ईमेल आईडी है, यस या नो? यूआरएल में, ये जो यूआरएल है इसमें कोई ईमेल आईडी है? नो, है ना। तो जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूं, है ना, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूं, तो ये जो ईमेल आईडी है, ये वाली ईमेल आईडी यूआरएल में पहुंच जाए, यहां पर आ जाए, और यूआरएल से मैं रिसीव कर लूं उस ईमेल आईडी को, है ना, और रिसीव करके वो डेटा फैच कर लूं और उस फैच डेटा को मॉडल में रिप्रेजेंट कर दूं, ये वर्किंग चलेगी। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो मॉडल ओपन होगा, ये मॉडल तब ओपन होना चाहिए जब यूआरएल में यहां पर ईमेल आईडी हो। वो ईमेल आईडी कौन सी होगी, जब भी मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा तब ये आपके होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे। अब देखो थोड़ा सा यहां पर ये जो हमारा एंकर टैग है, हम यहां पर ये नीचे आते हैं, यहां पर ये जो अपडेट वाला बटन बना रखा है, मतलब ये वाला बटन, अपडेट वाला जो बटन है ना, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, BTN SM, थोड़ा छोटा हो जाएगा बटन साइज में। हाँ अब ठीक है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करूं, ईमेल आईडी यहां पर आ जाए यूआरएल में, पहले ये काम करते हैं। तो ये एच रेफरेंस में, जब जैसे ही मैं एंकर टैग पर क्लिक करूं, तो क्या होना चाहिए, एंकर टैग पर क्लिक करते ही आपके एडमिन वाला जो पेज है, admin.jsp क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू, क्या हो जानी चाहिए, ईमेल इक्वल टू, ये ईमेल हो जानी चाहिए, ये वाली। ये ईमेल कौन सी है, ये पहला कॉलम है, मतलब ये वाला कॉलम है, ठीक है। इसको हमने डेटा फैच किया था, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ईमेल इज इक्वल टू दिस, मतलब जो भी ईमेल आईडी होगी आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी यूआरएल में। एंकर टैग पर क्लिक करते ही admin.jsp पेज के यूआरएल में ईमेल की वैल्यू ये आ जाएगी, जिस पर भी क्लिक किया। पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपडेट पर क्लिक किया, ये देखो ईमेल की वैल्यू क्या आ गई, सचिन पवार। इस पर क्लिक किया, इस पर विपाशा सैनी, विपाशा वाली आ गई ईमेल आईडी, मतलब जिस पर भी क्लिक कर रहे हो ये वही ईमेल आईडी आ रही है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, सबसे पहले आप ये काम करना है, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट इतना। ये कैसे ईमेल आईडी आई, सिंपली मैंने एंकर टैग में jsp. ये जो admin.jsp है उसमें ईमेल की वैल्यू क्या दे दी, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू कहां से है, rs.next डेटाबेस से फैच कर रखी है ईमेल आईडी, ये हमने ईमेल आईडी यहां पर असाइन कर दी। क्लियर पॉइंट सभी को। अब हमें क्या करना है, हमें एक मॉडल डिजाइन करना है। मॉडल को हम लोड करेंगे कब, जब यूआरएल में ईमेल आईडी होगी, तब तब हम उस मॉडल को ओपन करेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर ओपन करेंगे। चलो से देखते हैं कैसे किस तरह से करेंगे। देखो सिंपली हम क्या करते हैं, एक मॉडल डिजाइन करेंगे। अब एक मॉडल, आपको पता है मॉडल की कोडिंग क्या है, आपको एक डिवीजन लेना पड़ेगा, कहीं पर भी ले लो, टेबल के जस्ट नीचे ले लो, यहां पर एक डिवीजन ले लिया, डिवीजन स्लैश डिवीजन, ठीक है, इसे इसे क्लास दे दो
कौन सी मॉडल मॉडल क्लास दी, इस मॉडल के अंदर एक डिवीजन और लेते हैं, इसे जो हम क्लास देंगे क्या देंगे, मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग, और मॉडल डायलॉग के अंदर होगा आपका एक डिवीजन और होगा डिवीजन, इसको क्लास दे दी हमने क्या, इसको देते हैं मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट। ठीक है, ये तीन आपकी क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी, मॉडल, ठीक है, मॉडल, मॉडल डायलॉग, मॉडल कंटेंट। ठीक है, ये हमारी तीन क्लासेस होगी। अब इन तीन क्लासेस, ये जो तीन क्लासेस ली है, इसमें कंटेंट के अंदर, मॉडल कंटेंट के अंदर तीन डिवीजन और होते हैं, एक तो फुटर के लिए मॉडल, फुटर, मॉडल हेडर, और मॉडल आपका आपका बॉडी। तो सबसे पहले एक डिवीजन लिया मैंने, इस डिवीजन को क्लास दे दी मॉडल, मॉडल आपका हेडर, ये एक डिवीजन हो गया। इसके नीचे आ गया एक डिवीजन और, इस डिवीजन को क्लास दे दी, इस डिवीजन को क्लास दी कौन सी, मॉडल बॉडी, मॉडल बॉडी, मॉडल बॉडी के नीचे एक डिवीजन और लेते हैं हम, उस डिवीजन को मैंने क्लास दे दी आपका मॉडल, आपका फुटर, मॉडल फुटर, ये तीन डिवीजन ले लिया मैंने। ठीक है, ये तीन डिवीजन हो गए। ओके, अब ये जो आपका मॉडल है इसको एक आईडी जरूर दे दो। मैंने इसको आईडी दे दी सपोज अपडेट, एक आईडी दे दी अपडेट। ठीक है, कुछ भी आईडी दे दो, जो भी तुम्हारी मर्जी, ये आईडी दे दी। अब इस, ये जो मॉडल है आपका ओपन होना चाहिए कब, जब आपका पेज लोड हो, और पेज लोड होने पर यहाँ पर ईमेल आईडी हो, यूआरएल में ईमेल आईडी हो, समझ रहे। तो ये मॉडल कब हो, इस पे क्लिक करने पर ना हो, इस पे क्लिक करने पर ईमेल आईडी आए यूआरएल में, और इस, जब ये आपकी ईमेल आईडी यूआरएल में है तभी आपका ओपन होना चाहिए मॉडल। क्या होना चाहिए, ओपन मॉडल, ओपन होना चाहिए। तो ये वर्किंग कैसे करनी है ये देखते हैं। ठीक है, पहले मैं मॉडल के अंदर, यहां पर बॉडी के अंदर एक फॉर्म बना लेता हूं, फॉर्म जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड आएगा, अपडेट वाला जो अपडेट करना है वो रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में यहां पर मेथड ले लेते हैं पोस्ट, और एक्शन में हम बाद में लिखेंगे कहां पर जाएगा डेटा अपडेट होने के लिए, अभी एक्शन को ब्लैंक छोड़ देता हूं। मैंने एक डिवीजन लिया, इस डिवीजन के अंदर फॉर्म, आपको पता है कि डिवीजन के अंदर हम क्या कोडिंग करते हैं, यहाँ पर एक क्लास देंगे, क्लास दे दिया फॉर्म ग्रुप, हम एक ग्रुप बना रहे हैं फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो लेबल, लेबल, लेबल में मैंने दे दिया सबसे पहले ईमेल, ईमेल आ गया, और उसके नीचे एक लेते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, वैल्यू अभी पता नहीं क्या देनी है, वैल्यू मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, और यहां पर ऐसा करें, ये तो हमारा वैल्यू आ गई। ठीक है, ईमेल वैल्यू ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये इसको क्लास दे देते हैं, क्लास, क्लास का नाम देते हैं फॉर्म कंट्रोल, पूरी विड्थ ले लेगा फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल पूरी विड्थ लेगा। इसका नेम जरूर दे दो, इसका नेम दे देंगे हम क्या, ईमेल, ईमेल। ठीक है, ईमेल हो गया ये, उसके जस्ट नीचे इसी को कॉपी कर लेता हूं। दूसरा हमारा क्या पार्ट है, अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ ईमेल हो गया, अब है नेम, नेम लेते हैं, नेम यहाँ पर ले लेते हैं, नेम, नेम इसका वैल्यू देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर नेम दे देते हैं यूजर। ठीक है, इसी तरह से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने पर यहाँ पर पेस्ट, नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है मोबाइल, मोबाइल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, और इसका नाम देते हैं मोबाइल ही, मोबाइल। सिमिलरली दोबारा पेस्ट करते हैं फॉर्म ग्रुप, नेक्स्ट जो है हमारा पासवर्ड, आप एडमिन से पासवर्ड भी चेंज करा सकते हो, पासवर्ड,
और इनपुट टाइप ये ले लिया मैंने पासवर्ड, पासवर्ड वैल्यू अभी छोड़ दू, इसका नाम दे दू PWD, ठीक है, PWD, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, एड्रेस, एड्रेस भी लिख देते हैं इसमें, इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया, इसको दे देते हैं एड्रेस, एड्रेस, और इसका नाम भी दे देते हैं एड्रेस, एड्रेस। और इस फॉर्म के नीचे हम बनाते हैं एक इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट है ना, और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम अपडेट यूजर, अपडेट यूजर, एक बटन बनाया और यहाँ पर एक क्लास दी, क्लास का नाम BTN, BTN सक्सेस दे दो, ठीक है, BTN सक्सेस दे दी, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी आपका काम नहीं करेगा ये मॉडल, ये मॉडल कब काम करेगा, ये मॉडल तब काम करना चाहिए जब आपके, जब आपका पेज लोड होए, ये पेज लोड हो, जैसे रिफ्रेश किया इसको लोड बोलते हैं, जैसे पेज रिफ्रेश किया कि पेज दोबारा लोड हुआ ये, है ना, जब भी आप हर बार इस पे एंटर करोगे तो ब्लिंक कर रहा है हल्का सा, यानी कि लोड हो रहा है, जैसे लोड हो, लोड भी तब, पहले तो मैं लोड करके दिखाता हूँ ये लोड पर कैसे काम करेगा, ठीक है। लोड होने पर ये आपका पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन हो जाए इस तरह से, यहाँ पर ये जिसे अपडेट करना है, ठीक है। पहले मॉडल को हम क्या करते हैं, लोड करके दिखाते हैं। अगर आपको मॉडल को लोड करना है तो आपको एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो लिखना पड़ेगा, है ना, कहाँ पर, और उस कोड को कहाँ पर लिखो, बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पर ये जो आपने स्क्रिप्ट टैग लगा रखे हैं इनके जस्ट नीचे, ध्यान रखना कभी यहाँ पर मत लिख देना, क्योंकि पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रिप्ट टैग लेना है, ठीक है। वैसे तो मैं जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा तुम्हें, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये स्क्रिप्ट टैग हो गया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको यहां पर मॉडल को लोड कराना है, ठीक है। तो मॉडल को कैसे लोड करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड है तो आप लिखोगे वेब पेज को, जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, है ना। जब भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो, रेडी मतलब आपका रेडी हो, मतलब जब आपका लोड हो, है ना, तब हमें एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर, यहां पर इस फंक्शन के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए इस तरीके से, है ना, यहाँ पर लिखते हैं आपका सेमी कोलन, सेमी कोलन आ गया, ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, जिसकी आईडी क्या है, इसमें डॉलर साइन से चलता है हर चीज, डॉलर साइन असल में ये जेक्वेरी की कोडिंग है, ये जेक्वेरी की कोडिंग चल रही है आपकी, आप लिखा डॉलर साइन जिसकी आईडी क्या हो, अपडेट हो, अपडेट हो, है ना, वो मॉडल आपका, मॉडल क्या हो जाए, मॉडल आपका शो हो जाए, क्या हो जाए, शो, ये कोडिंग हुई थी, बस इतना सा कोड लिखना, डॉक्यूमेंट मतलब आपका वेब पेज, वेब पेज जब भी रेडी हो, वेब पेज जब भी रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, और इस फंक्शन का काम क्या है, जिसकी आईडी, जिस मॉडल की आईडी हैश अपडेट है वो आपका शो हो जाए। हैश अपडेट किसकी है, अभी हमने जो मॉडल बनाया, ये मॉडल जो बनाया इसकी आईडी हमने अपडेट दे रखी है, तो जो भी नाम आपने अपडेट दे रखा है एज इट इज वही नाम दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं, ये देखो आपका मॉडल ओपन हो गया, समझ रहे, ये क्या हो गया, आपका मॉडल ओपन हो गया, क्लियर है, ये कब लोड हो रहा है, जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे ये पेज हर बार ये लोड होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये लोड कब हो, जब यहां पर ईमेल आईडी हो, यूआरएल में ईमेल आईडी हो तब ये, और ईमेल आईडी कैसे आएगी, जब मैं इस पर अपडेट पर क्लिक करूंगा, यहां पर अपडेट पर क्लिक करूंगा तब ये ईमेल आईडी होगी, तब लोड होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, देखो अभी अगर अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने एंटर किया, ये अब भी लोड हो रहा है ना,
इस पे क्लिक किया एडमिन पे, ये तब भी लोड हो रहा है। जब भी रिफ्रेश हो रहा है, एक चीज और, जब भी मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये मॉडल भी लोड हो रहा है और ईमेल आईडी भी आपकी यूआरएल पे आ रही है, समझ रहे हैं? जैसे ही आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो, यानी कि पेज आपका दोबारा लोड हुआ है, कि पेज दोबारा लोड हुआ, समझ रहे? क्लियर पॉइंट, यस या नो? ये जो आपका मॉडल है, इसके हेडर में भी कुछ डाल देते हैं। ये जो मॉडल है, ये मेरे मॉडल की कोडिंग है। हेडर के अंदर ये हेडर है, इस हेडर के अंदर हम लेते हैं एक H4 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं अपडेट यूजर, है ना? एक ये ले लिया और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, ये मॉडल आपका, जिससे मैं क्लोज कर सकूँ। बटन टाइप ले लो उसका, बटन बटन का ले लिया टाइप, बटन क्लास ले ली, क्लास ले ली क्लोज, क्लोज का एक आइकन आ जाएगा बना हुआ, ठीक है? और डेटा डिसमिस, आपका डेटा क्या हो जाए, डेटा डिसमिस क्या मॉडल, इसमें मॉडल आ जाएगा आपका, मॉडल क्या हो जाए, डिसमिस हो जाए। और इस पर जो आइकन आए बना हुआ, यहाँ पर टाइम्स का आइकन आ जाए, मतलब क्रॉस का, टाइम्स का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का, एड्रेस मैंने लिखा टाइम्स, ठीक है? अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, आप ऑब्जर्व करोगे, ये आ गया आपका यूजर, क्रॉस का साइन नहीं दिखाई दिया, 1 मिनट, ये सेव नहीं हुआ, फिर हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करो। देखो जैसे ये लोड हुआ, आपका क्रॉस का आइकन आ गया, ये बना हुआ टाइम्स का, इसे क्लोज किया, ये आपका चल जाएगा। जैसे लोड होगा, पेज लोड होगा, आपका ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? ये कोडिंग समझ में आई? यस या नो? यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हमें किस यूजर का रिकॉर्ड अपडेट करना है। ये जो आपका मॉडल है ना, जैसे ही आप रिफ्रेश कर रहे हो, रिफ्रेश करने पर ये मॉडल ओपन हो रहा है, ये मॉडल, इसके अंदर ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल, पासवर्ड और एड्रेस, ये वाला आ जाए जिस पे भी हम क्लिक करें, है ना? तो हम क्या करते हैं, जैसे अपडेट पे क्लिक किया, आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर ईमेल आईडी आ गई सचिन की, यानी कि सचिन का रिकॉर्ड फैच करके मैं यहाँ रख दूं और उसे मैं जो भी आपको चेंज करना हो चेंज करो और अपडेट यूजर कर दो, यहाँ से आपका यूजर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर डिटेल आ जाए किसकी, यहाँ पर डिटेल आ जानी चाहिए आपकी विपासा वाली, समझ रहे? तो ये वर्किंग कैसे करेंगे अब हम, जैसे यहाँ पर क्लिक करो अपडेट पे, तो यहाँ पर डिटेल आ जाए विपासा वाली, और सचिन वाले पे करें तो सचिन वाली। हमने क्या किया, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पे भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यूआरएल में वही ईमेल आईडी जा रही है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सचिन वाली ईमेल आईडी जा रही है, देखो। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर विपासा वाली ईमेल आईडी जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यूआरएल से इस ईमेल आईडी को गेट करता हूँ सबसे पहले, जिस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है? तो इसको कैसे गेट करेंगे, आपको सिंपली टॉप में जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ईमेल ली, ईमेल कहाँ से, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कहाँ से, ईमेल से। तो जो भी आपकी ईमेल यूआरएल में थी, यूआरएल में जो भी ईमेल थी वो मैंने यहाँ पर गेट कर ली, इसको ईमेल आईडी दे दो नाम, ठीक है? क्या नाम दे दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ पर ले ली। ये ईमेल कौन सी है, ये वो नेम है, ये वाला नेम है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है आपकी, इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने किसमें रिसीव कर ली, इसमें। क्लियर पॉइंट? अब हम क्या करते हैं, जो आपका मॉडल है, ये जो मॉडल हमने बनाया, इस कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लेते हैं, इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना, इसको हम लेते हैं जीएसपी के अंदर। कैसे, मैंने लिखा स्टार स्टार ये, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई, इफ
ईमेल आईडी है ना नॉट इक्वल टू नल के हो, मतलब आपकी अगर यूआरएल में ईमेल आईडी नॉट इक्वल टू नल के हो, मतलब ईमेल आईडी हो है ना, तभी ये कोडिंग किसकी थी, ये कोडिंग बताएगा किसकी थी, ये वाली कोडिंग मॉडल को शो करने की। मैं अब ये कंडीशन मैंने किसके अंदर ले लिया, ये इफ मॉडल को शो करने की। हाँ मैंने यहां पर कंडीशन लगाई इफ, इफ इफ के अंदर, इसे बंद करो स्क्रिप्ट लेट टैग को, ये जावा का कोड हो गया, ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, यहां पर इसको बंद करते हैं और यहां पर लगा देते हैं कर्ली ब्रेसिस, सॉरी कर्ली ब्रेसिस इफ का बंद, इफ वाला जो इफ यहां बंद होगा, ये इफ हो यहां से लेके यहां तक का बंद हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ईमेल आईडी नल नहीं होगी तभी आपका ये शो होगा, अगर नल है, नॉट नल है ना, अगर नल है तब ये शो नहीं होगा। हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कहां से ली, यूआरएल से। ऐसा भी हो सकता है कि यूआरएल में ईमेल आईडी ना हो, समझ रहे हैं, अगर ईमेल आईडी नल वहां पर नहीं है तब आपका ये शो नहीं होगा। हमने कौन सा केस लगाया, ईमेल आईडी नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर ईमेल आईडी हो तभी हमारा ये कोड शो हो। क्लियर पॉइंट, यस या नो। ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये जावा का एरिया है ना, और ये जो एरिया है व्हाइट कलर वाला, ये जो व्हाइट कलर वाला एरिया है ये है जावास्क्रिप्ट का। तो मैं अब रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, आप ऑब्जर्व करोगे, मैं यहाँ से ईमेल आईडी हटा देता हूँ, ये पेज लोड हुआ, जैसे ये लोड होगा आपका कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मॉडल नहीं दिखाई दिया। अब मॉडल कब दिखाई देगा, जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, अपडेट पे क्लिक करते ही आपका मॉडल अब ये दिखाई दिया और ईमेल आईडी भी यूआरएल में आ गई, ये देखो, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब इस पे क्लिक किया, अब आपका मॉडल कब दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली लोड करूं, ये लोड क्यों नहीं हुआ, ये लोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ईमेल की वैल्यू है ही नहीं, यहां पर कुछ ईमेल है ही नहीं। जब ईमेल नहीं है तो आपने यहां पर लास्ट में कोड बनाया इफ ईमेल नॉट इक्वल टू नल तभी शो हो, अगर नल होता तब आपको शो नहीं करना, तो मैंने एल्स नहीं लगाया। क्लियर पॉइंट, यहां तक ये वर्किंग इसकी चल गई परफेक्ट जी, आ गया ओके। अब ऊपर आते हैं वहीं पर ही, अब मुझे क्या करना है, अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही यहां पर ईमेल आईडी कौन सी आनी चाहिए, सचिन की, यहां पर ईमेल आईडी क्या कौन सी आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सचिन की, नेम सचिन, मोबाइल पासवर्ड ये आना चाहिए और उसका एड्रेस। जैसे अपडेट पे क्लिक करो ये अपडेट हो जाए और यहां पर भी चेंज दिखाई दे, ये वर्किंग करनी है, ठीक है। अगर इस पे क्लिक करो विपासा पे, तो विपासा की डिटेल यहां पर आनी चाहिए, यहां पर सारी की सारी। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, इस रिकॉर्ड में से इस ईमेल आईडी का रिकॉर्ड फैच करते हैं। ये सारा रिकॉर्ड किसके पास है, कोई बताएगा, ये सारा रिकॉर्ड एडमिन वाले पेज पर किसके पास है, ये डेट सारा रिकॉर्ड किसके पास है, रिजल्ट सेट के पास। अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर हमने रिजल्ट सेट लगाया था, ये रहा रिजल्ट सेट, ने क्या किया था, रिजल्ट सेट ने सारा डेटा शो कर दिया था आपका टेबल में, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, ये जो टेबल है इस टेबल में रिकॉर्ड सारा शो कर दिया आपका। अब हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट सेट से ही दोबारा डेटा लेते हैं। क्लियर पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, यहां पर टेबल से सॉरी जो टेबल जहां पर बंद हो रही है उसके जस्ट नीचे, वैसे तो कहीं भी लिख लो कोड, कोई दिक्कत नहीं है ना, जावा जावा जीएसपी का कोड आप कहीं भी लिख सकते हो, जावा कोड है ना, मैंने यहाँ पर लिखा जावा का कोड लिखना है तो आप लगाओगे ये वाले टैग, मैंने आपको बताया था ये टैग का यूज करोगे, ठीक है। सेव करते हैं कंट्रोल एस ओके। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, मेरा रिजल्ट सेट जो है इस टाइम है कहाँ, रिजल्ट सेट है कहाँ, अगर रिजल्ट सेट की बात करूं, आपको पता है कि रिजल्ट सेट ने आपका डेटा फेच किया होगा, पेन का कलर चेंज करता हूँ, रिजल्ट सेट ने आपका डेटा फेच किया होगा आरएस ने, वो पहले इस पे था, ये रिकॉर्ड शो हुआ, अब इस पे है वो, है ना, अब डेटा नहीं मिला तो यहां पर है एंड में, ठीक
आपका कहां पर है रिजल्ट सेट, ये डेटा शो करने के बाद आपका रिजल्ट सेट कहीं यहां पर है लास्ट में, है ना, आफ्टर लास्ट रिकॉर्ड। अब हमें क्या करना है, इस आरएस को दोबारा यहां पर लेके आना है आरएस को। तो सिंपली कैसे लाएंगे, आपको लिखना है सिंपली यहां पर ये जो आपने टैग लगाए हैं आरएस डॉट, है ना, बिफोर फर्स्ट, कहां पर लेके आएंगे, बिफोर फर्स्ट। आपका पॉइंटर आरएस कहां आ गया, बिफोर फर्स्ट आ गया, है ना। बिफोर फर्स्ट का मतलब ये रिकॉर्ड अब आपका यहां से आ गया, अब ये आरएस दोबारा यहां पर आ गया फर्स्ट, इस पे फर्स्ट रो पे आ गया, बिफोर फर्स्ट यहां आ गया। जैसे क्लिक करेंगे ये, फिर नेक्स्ट मेथड लगाएंगे ये। अब हमें क्या करना है, इस ईमेल आईडी को पहले इस रिकॉर्ड से मैच करेंगे, फिर इससे मैच करेंगे, इसके अगर नीचे और भी रिकॉर्ड है उनसे सबसे मैच करेंगे, जिससे भी ये मैच हो जाएगी ये ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी जिससे भी मैच हो जाएगी उसका सारा रिकॉर्ड फेच करके हमें मॉडल में शो करना है। समझ में आया पॉइंट, समझ में आया मैं क्या क्यों कर रहा हूं ये, यस या नो। अब आपने पॉइंटर जो है आपने यहां पर पहुंचा दिया स्टार्टिंग में, मैं वाइल लूप लगाता हूं दोबारा। वाइल लूप लगाते हैं कैसे, वाइल वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट की हेल्प से, है ना। अब हमने यहां कंडीशन लगाई इफ इफ आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग कौन से नंबर से, पहले पर, ये आर एस में गेट स्ट्रिंग ये हमें क्या देगी, कोई बताएगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग हमें क्या देगी, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिलेगा, ईमेल आईडी। और इस ईमेल आईडी को किससे मैच करना है, इस ईमेल आईडी को किससे मैच करना है, डॉट इक्वल्स, डॉट इक्वल्स कौन सी ईमेल आईडी, जो आपने यूआरएल से ली, ईमेल आईडी, ये अगर इसके बराबर है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी ईमेल आईडी डेटाबेस से जो ईमेल आईडी है और यूआरएल में जो ईमेल आईडी है अगर वो मैच कर गई तो आपको क्या करना है, उसका सारा रिकॉर्ड लेना है, ईमेल आईडी भी लेनी है, नेम भी लेना है, मोबाइल भी, पासवर्ड भी और एड्रेस भी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर स्ट्रिंग में हमने ले ली आईडी, कैसे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग कहां से, पहले नंबर से, इसी तरह से स्ट्रिंग इसे ना, ये जो आपकी स्ट्रिंग आईडी है इन्हें वाइल लूप से बाहर रखो एक मिनट, ये आईडी है ना, जो हमें क्या क्या चाहिए मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग में आईडी, आईडी स्टार्टिंग में ले ली नल नल, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में ले लिया नेम, नेम भी नल ले लिया नल, उसके बाद मैंने ले लिया मोबाइल, मोबाइल भी स्टार्टिंग में नल, और एक ले लिया मैंने एड्रेस, एड्रेस भी ले लिया नल, और एक रह गया पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड को भी मैंने ले लिया स्टार्टिंग में नल, ये मैंने ले लिया वेरिएबल, इनकी सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में नल ली। अब इनकी वैल्यू कहां से आएगी, ये आएगी अगर ईमेल आईडी मैच होगी, तो मैंने अगर ईमेल आईडी डेटाबेस से ईमेल आईडी और यूआरएल में जो ईमेल आईडी अगर मैच होगी तो ईमेल आईडी को आईडी में रख दो, इसी तरह से नेम में, नेम कहां से मिलेगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग कौन से नंबर से, दो से ले ली, इसी तरह से मोबाइल ले लिया कहां से, आर एस डॉट गेट मोबाइल, सॉरी गेट स्ट्रिंग, मोबाइल भी हमने स्ट्रिंग में ले रखा है, तीसरे कॉलम से, ठीक है, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम पासवर्ड का है तो पासवर्ड ले लो, मोबाइल आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, सेव करते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग ले ली मैंने फोर्थ नंबर से, ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, वो भी हमारा स्ट्रिंग में है, और कॉलम का नंबर आ गया फाइव, या ये मैंने सारा रिकॉर्ड फैच कर लिया, है ना। कब फैच किया,
हमने रिजल्ट सेट स्टार्टिंग में लेके गए, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे लेके गए, फिर नेक्स्ट लगाया, चेक किया कि इसके अंदर डेटा है नहीं। अगर डेटा है तो पहले ईमेल आईडी को, यूआरएल की जो ईमेल आईडी है उससे कंपैरिजन करा, अगर इक्वल है तो ये आईडी नेम मोबाइल पासवर्ड ये सब फैच कर लो। अब इनको कहाँ पर रखेंगे कोई बताएगा? ये जो मैंने रिकॉर्ड फैच किया, आईडी नेम मोबाइल पासवर्ड और एड्रेस जो आपके यूआरएल की ईमेल आईडी के बराबर है, इसको कहाँ रखना है? मॉडल में, मॉडल के वैल्यू पार्ट में, मॉडल में आ जाओ। तो मॉडल में आते हैं, ये है हमारा मॉडल, है ना। इस मॉडल के अंदर ये जो वैल्यू वाला फील्ड है ईमेल, ईमेल के अंदर क्या रख देंगे? इक्वल टू, यहां पर ये लिखेंगे, ये लिखना है आईडी, ये आईडी रख देंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या रख देंगे? यहां पर ये आपका नेम, नेम रख देंगे। और यहां पर वैल्यू क्या रख देंगे? ये वैल्यू कहां से आई? जो हमने डेटाबेस से फैच करी, ये आ जाएगा हमारा मोबाइल, मोबाइल, है ना। इसी तरह से नीचे आ जाओ, यहां पर जो वैल्यू है पासवर्ड, यहां पर ये लिख दिया मैंने पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा आपका, और यहां पर जो आ जाएगा आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस आ गया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, यहां से रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे मैं अपडेट करता हूं, अपडेट पर क्लिक करते ही आपका ये देखो सचिन की ईमेल आईडी, सचिन मोबाइल और इसका पासवर्ड और एड्रेस ये आ गया। एक मिनट, एड्रेस की वैल्यू डॉटेड क्यों आ रही है? एड्रेस हमने पासवर्ड ले रखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब एड्रेस दिखाई देगा, इसे मैंने रिफ्रेश किया, अब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, ये देखो इसकी वैल्यू नल, ये पासवर्ड आ रहा है, ये मोबाइल नंबर, ये सचिन ईमेल आईडी। ऐसे विपासा वाले पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया, क्लिक करने पर ये विपासा की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप, मैंने बताया था ईमेल आईडी को चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, इस ईमेल आईडी को रीड ओनली कर देते हैं, है ना। तो ईमेल आईडी ये रही, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है रीड ओनली, क्या लिखना है? रीड ओनली। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और चेक करो, ये देखो अब आप ईमेल आईडी में, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज कर सकते हो, विपासा जैसे सैनी, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर आपको अपडेट कर सकते हो, पासवर्ड बदल सकते हो, ABC@4532 जो भी लिखना है, एड्रेस लिखना है, एड्रेस आपने लिखा हाउस नंबर 333, है ना, लिख देते हैं दिल्ली, है ना, न्यू साकेत नगर, कुछ भी लिख दो, ये आपकी वर्किंग होगी, मॉडल में वही रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये सारा रिकॉर्ड अब डेटाबेस में अपडेट करना है। जैसे मैं अपडेट यूजर पे क्लिक करूं तो आपका डेटा डेटाबेस में जाए और ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाए और यहां पर भी शो हो जाए, क्लियर पॉइंट। लेकिन अब मुझे अपडेट की कोडिंग करनी पड़ेगी, क्लियर पॉइंट सभी को, यस या नो, ये वर्किंग समझ में आई? एक बार इस बटन को देख लेते हैं, बटन में हमारा ये डेकोरेटेड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, BTN, तो BTN सक्सेस, अब इसे रिफ्रेश करो, देखो ईमेल आईडी है, मॉडल अब ओपन होगा, ये मॉडल आ रहा है, यानी कि आपने विपासा वाली का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ये वही रिकॉर्ड दिखाएगा, सचिन, लेकिन इसमें ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते, नेम में चेंज कर सकते हो, है। अपडेट यूजर, यहां से अपडेट करेंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, ओके। कल इसमें हम अपडेट यूजर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आज नहीं रखते हैं।